डू यू नो व्हाई आवर ब्लड बॉइल्स व्हाइल वॉचिंग ए पैट्रियोटिक मूवी? आज इस सवाल का सही तात्पर्य आप सबको पता लगने वाला है। आज हम जिस मूवी के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है राजी, जिसमें लीड रोल में है आलिया भट्ट, विक्की कौशल और कई अच्छे अच्छे अभिनेता अभिनय करते नजर आए हैं। दिस मूवी इज डायरेक्टेड बाय मेघना गुलजार, जिन्होंने छपाक, तलवार और 10 कहानियां जैसी फिल्में बॉलीवुड को दिए हैं। राजी एक स्पाई थ्रिलर मूवी है जिसमें दिखाया गया है 1971 के युद्ध के दौरान सहमत की शादी पाकिस्तान के इकबाल सैयद से कराई जाती है, जो एक मिलिट्री ऑफिसर होते हैं। सहमत की शादी एक समझौता थी उनके पापा के साथ, जो एक इंडियन फ्रीडम फाइटर और फिलहाल पाकिस्तान सरकार के लिए मुखबिर थे, और वो चाहते थे सहमत भी उनकी तरह देश की सेवा करें और पारिवारिक परंपरा को जारी रखें। सहमत कॉलेज छोड़ने के बाद तुरंत ही रॉ के जो एजेंट थे ऑफिसर खालिद मीर, उनके साथ ट्रेनिंग करना स्टार्ट कर देती है। और यहाँ सहमत के जो अबू हिदायत खान, पाकिस्तानी सेना के ब्रिगेडियर सैयद के साथ अपनी दोस्ती का सही इस्तेमाल करके सहमत की शादी उनके बेटे के साथ करवा देते हैं, जो मैं पहले ही क्लियर कर दिया है। शादी के बाद सहमत बहुत ही जल्द अपने शादीशुदा जिंदगी में अच्छे से सेटल हो जाती है। उसको इकबाल सैयद से प्यार हो जाता है उस दौरान, जो एक रॉ के स्पेशल ट्रेंड एजेंट के खिलाफ होता है। फिर कैसे सहमत की लाइफ में आंधी आती है आप इस मूवी में देख सकते हैं। दिस इज बेस्ड ऑन ए ट्रू स्टोरी। कुछ कुछ स्पॉयलर्स हैं इस मूवी में जो आपको इजीली समझ नहीं आएंगे, जैसे सहमत इतना सारा सब कुछ करती थी, कभी भी रंगे हाथ पकड़ी नहीं गई उस दौरान। बाहर जाती थी घर की गाड़ी लेके, डुप्लीकेट की भी बना दी थी उसके ससुराल के जो आर्मी कैबिन थी, और तो और एक इन्फॉर्मेशन सेंडिंग मशीन भी सेटअप कर दी थी अपने बाथरूम में, मगर कोई भी उसको पकड़ नहीं पाए। आपको कहीं कहीं लग सकता है कि आप जिस इरादे से ये मूवी देखने आए हैं वो थोड़ी मिसिंग है इस मूवी में, जैसे कि आप सोचे होंगे देश प्रेम की भावना जगाएगी, आप प्राउड फील करेंगे, इसे देख के सीना चौड़ा हो जाएगा, लेकिन कहीं कहीं ये चीज़ मिसिंग लग सकता है आपको। मेरे ओपिनियन ये है कि इस मूवी में पाकिस्तान को जिस वेज में दिखाना चाहिए ये थोड़ा मिसिंग है। लगेगा जैसे हम उनके साथ कुछ बुरा बर्ताव कर रहे हैं। पाकिस्तान कैरेक्टर की जिन नेगेटिव बातों को हमारे सामने रखना चाहिए था वो हमारे सामने रख नहीं पाई ये मूवी। मुझे हजम तब नहीं हुआ जब लगा पाकिस्तान की हर चीज़ें अच्छा अच्छा और प्यारा प्यारा दिखाया गया है इस मूवी में। सहमत जितना भी परेशानियां झेली होगी और उसके लाइफ में ऐसे बहुत डिफिकल्टीज आई होगी वहां उस वक्त, जो आपको यहाँ देखने नहीं मिलेगी। फिल्में ऐसी बनानी चाहिए जिससे हमारे जवानों का, हमारा और हमारे देशवासियों का हौसला बढ़ाए, ना कि घटे। मैं ये भी नहीं बोलता कि बहुत बुरा दिखाओ जिसमें दुनिया की भाईचारा विनाश हो जाए। आप देखिए मूवी और कमेंट में जरूर बताएं आपको ये मूवी कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब नहीं किया तो आराम से करना, कोई आफत नहीं आ रही। चलते हैं, फिर मिलेंगे एक नए दिन और एक नई रिव्यू के साथ। बाय बाय, नमस्ते, खुदा हाफिज़, लव यू ऑल।